आदि पुरुष जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी फिल्म है ये जिससे सबके होप जुड़े हैं, चाहे वो दर्शक हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी हो। इस फिल्म से सबके कनेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है और सबके एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। और सबसे ज़्यादा इसकी हाइप जो उड़ी है वो प्रभास सर के कारण, क्योंकि मेन लीड में हमें प्रभास सर देखने के मिलने वाले हैं, उनके साथ हमें सैफ अली खान भी देखने के मिलने वाले हैं। और मतलब इतने बड़े बड़े जो इस फिल्म में कैरेक्टर जोड़े गए हैं, और सबसे बड़ी बात है ये फिल्म ने यार सब जो अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, और सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग चीज़ है वो है इस चीज़ फिल्म का कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, रामायण जो हमारी संस्कृति, हमारी धर्म, चाहे हम कुछ भी कह लें, हम सबसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ माना जाता है और है भी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले आदि पुरुष के एक नए रिकॉर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के सोचिए मोशन पोस्टर कुछ रिलीज नहीं हुआ, कुछ भी रिलीज नहीं हुआ, उसके पहले इस फिल्म ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। बाकी हम बात करेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है ये जो आदि पुरुष है यह सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी जितने अभी बने हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, या फिर सबसे ज़्यादा टिकट बेचने के, कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आदि पुरुष को लेके जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है वह अपडेट यह है इसके ओटीटी राइट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके जो ओटीटी राइट्स है वो बिक चुके हैं, और उसके ओटीटी राइट को किसने खरीदा है, वन ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो उनमें से उनका नाम आएगा बिल्कुल नेटफ्लिक्स के बारे में। नेटफ्लिक्स ने इसको खरीदा है कितने में, इसका अंदाजा आप लगाएंगे एक बार, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 250 करोड़ में नेटफ्लिक्स ने इसको खरीद लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बवाल अमाउंट है यार। मतलब 250 करोड़ आप सोच रहे हो। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह फिल्म ना बहुत बड़े बजट वाले होने वाले, हो सकता है इंडिया की सबसे महंगी फिल्म हो, लगभग ऐसा कहा जा रहा है 550-600 करोड़ तक इसका बजट जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। इतने अमाउंट की इंडिया में फिल्म अभी तक नहीं बनी है, और यह बनने के लिए तैयार है, और इतना मेरे को लगता है कि 600-650 करोड़ लग जाएंगे इसमें। उसके बाद 250 करोड़ में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसे बिना किसी इसके टीजर के, ट्रेलर के, और बिना किसी मोशन पोस्टर के इसको खरीद लिया है। मतलब ये देख लो, अब दम देखो इस फिल्म का, इतना ज़्यादा लोगों के बीच में हाइप है, क्रिएट है कि ना अब नेटफ्लिक्स वालों को भी पता है कि भैया इसको किस तरह से भी लेना है अपने पास। और इससे ना इस फिल्म को भी बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड हम देखें अगर RRR का भी जो वर्ल्ड रेंज बढ़ा है ना नेटफ्लिक्स पे आने के बाद, वह बहुत ही ज़्यादा गजब का था। तो सेम टू सेम आदि पुरुष को भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने के बाद बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अच्छा खासा रेंज मिलने वाला है। वैसे तो वो थिएटर्स में रिलीज होगी ही होगी, बट जो लोग OTT पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखना फिल्म या फिर वेब सीरीज, उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे या आदि पुरुष अब OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल मचाएगी। और है भी यार ये फिल्म बहुत ज़्यादा गजब की है, चाहे आप बात कर लो इसके बड़े बजट के बारे में, ये बड़ी फिल्म होने वाली है और इसकी लेंथ भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली, नॉर्मल फिल्म की तरह इसकी लेंथ ना हो, इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है इसकी, अरे इसकी जितनी भी बात करोगे ना उतनी कम है। बाकी तो इसका भी कुछ खास अपडेट निकल के नहीं आ रही है इस फिल्म के बारे में, जैसे ही आती है मैं आपको बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, वीडियो पसंद आते लाइक करके जाना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है यह फिल्म 600-700 करोड़ की बन पाएगी या फिर उससे कम में ही बन जाएगी, कमेंट में जरूर बताना। चलो मिलते हैं अगले।